Sometimes goods are destroyed or lost due to various reasons. Can a person take input tax credit on such goods? दोस्तों, कई बार आपका गुड्स चोरी हो जाता है, खो गया, या किसी कारण से वो खराब हो गया, या वो ऐसा हो गया कि आपको उसे रिटर्न ऑफ करना पड़ गया, तो क्या आप उन गुड्स का आईटीसी क्लेम कर सकते हैं जीएसटी के अंदर या नहीं? हम इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। इस क्वेश्चन का हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, एज पर रूल 17.5 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017, नो आईटीसी एज अवेलेबल फॉर गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ और गिवन ऑफ एज गिफ्ट और फ्री सैंपल्स। यानी कि आपने कोई गुड्स को परचेज किया, आप आईटीसी कब क्लेम करते हैं? आईटीसी आप तभी क्लेम कर लेते हैं जब आप गुड्स को परचेज करते हैं। लेकिन सपोज बाद में वो गुड्स चोरी हो गया, या आपसे वो खो गया, या किसी कारण से वो खराब हो गया, और अब आपके लिए वो यूजलेस हो गया, आपने कहा भाई इसे स्क्रैप बना दो, तो आप उस गुड्स का आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे मतलब आप कहेंगे जब मैंने परचेज किया था तब मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया था, अब वो हो सकता है कि जी 2 महीने बाद वो आइटम चोरी हो गया तो क्या करना होगा? तो दोस्तों, उस केस में जब अगर आपका आइटम चोरी हो जाता है या खो जाता है या खराब हो जाता है, उस केस में आपने जितना आईटीसी पहले क्लेम किया था वो आईटीसी आपको रिवर्स करना होगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपके बिजनेस में यूज नहीं हो पाया। इसी प्रकार यदि आपने कोई आइटम परचेज किया था, बाद में आपने उसे एज ए फ्री सैंपल आपने किसी को दे दिया, या आपने उसे उस जगह पर यूज किया, उस प्रोडक्ट में यूज किया जैसे कि अल्टीमेटली फ्री सैंपल के तौर पे दिया जाना था, फ्री सैंपल में आप जीएसटी सामग्री वाले से चार्ज नहीं कर रहे, तो आप इनपुट के ऊपर भी क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, जब आपने पहले आईटीसी अगर क्लेम कर रखा है तो आपको वो अपना आईटीसी रिवर्स करना होगा, और आपको अपने बुक्स के अंदर, क्योंकि आपने पहले आईटीसी क्लेम किया था, अब आपने रिवर्स किया है, तो जो डिफरेंस है, यदि आपने उस आईटीसी को यूटिलाइज भी किया है तो आपको उस पर इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।